विदिशा जिले के ग्यारसपुर में भारतीय किसान संघ ने क्षेत्र में कीट प्रकोप एवं अतिवृष्टि से बर्बाद उड़द सोयाबीन की फसलों के लिए शीघ्र सर्वे कर मुआवजे तथा क्षेत्र में बीमा राशि दिलाने से वंचित किसानों को शीघ्र राशि दिलाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी गई कि ग्यारसपुर में एक जलाशय बनाकर जिसमें नहर निकालकर किसानों के लिए खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में नहरों से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए मंडी, नवोदय विद्यालय आदि की यह मांग वर्षों से निरंतर चली आ रही है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज आपने यहां पर एसडीएम कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर जो ज्ञापन दिया, किन किन मांगों को लेकर दिया किसानों के हित में बताएं। किसान की आज जो क्षतिग्रस्त फसल हुई है, उस फसल के बीमा संबंधित हमने बीमा कंपनी को एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो हमारा किसानों के खेतों में जाके सर्वे करें। और दूसरी मांग हमने ये रखी है कि किसानों की जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुए हैं वहाँ पे उनका सर्वे किया जावे। तीसरी मांग हमने ये रखी कि बीमा कुछ क्षेत्रों में छूट गया था, 18-19 का बीमा, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिला, उनको बीमा का सर्वे कराकर उनको बीमा दिया जावे। और तीसरी मांग 1100 कृषि उपज मंडी की स्थापना की जावे, धान विक्रय का पंजीयन किया जावे। 1100 क्षेत्र में पंजीयन नहीं होता है, उसका धान विक्रय का पंजीयन किया जावे। 1100 क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय का निर्माण किया जावे और पूरी विदिशा जिले की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय, लेकिन यहाँ के किसान गरीब बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था की जावे, ऐसी हमने एसडीएम को मांग रखी है। इस मांग के साथ ये ज्ञापन दिया है, आगे अगर समस्याओं को हल नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।